नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सुधीर राज जी, जो कि बहुजन समाज को हमेशा जागरूक करने के लिए तत्पर रहते हैं और बहुजन समाज के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। आज हम इसे जानना चाहेंगे कि पहले भगवान आए या बुद्ध। भगवान बुद्ध के लिए ही बोला जाता है। जो बुद्ध बनेगा वो भगवान होगा, और जो बुद्ध नहीं बनेगा, जो मनुष्य बोधि हासिल नहीं करेगा, वो बुद्ध नहीं बनेगा। और जो बुद्ध बनेगा उसी को भगवान बोलते हैं, उसी को भगवान बोलते हैं। भगवान, भगवा, भगवान, भंगी, और सरल शब्दों में कहें तो भगवान। इसलिए सबसे पहले बोधि या बुद्ध बनना पड़ेगा, उसी का नाम, दोनों सेम है तो दोनों एक ही साथ आए हैं। यानी जैसे ही बुद्ध बनेगा वैसे ही भगवान बन जाएगा, तो दोनों साथ आए हुए। और बुद्ध को ही भगवान कहते हैं पूरी दुनिया में। बुद्ध के अलावा कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि भग्न अवस्था को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। जो राग और द्वेष की और जो मोह मूर्ता को भग्न अवस्था है, जिसको ख़त्म किया, समाप्त किया, इसलिए प्राचीन समय से उन्हें भंग ज्ञानी भी बोलते थे, और फिर उनका शॉर्ट नेम पड़ा भंगी। भंगी और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चूँकि जो लोग थे जिन्हें भंग ज्ञान प्राप्त था, वो बाद में अपनी सत्ता खो बैठे, इसलिए ये शब्द थोड़ा सा इन्फीरियर या गाली बन गया। मगर भंग ज्ञान और बुद्ध दोनों एक हैं, और दोनों ही बहुत ऊँचे दर्जे के शब्द हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुधीर राज जी का, जिन्होंने हमें बताया कि पहले भगवान आए या बुद्ध। जी धन्यवाद सर आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।